फ्रेंड्स, मैं नीता अग्रवाल, फाउंडर ऑफ नीता स्पाइसेस, मेरे यूट्यूब चैनल नीता क्रिएशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं 3 टेम्पटेड लच्छा पराठा, यानी 3 फ्लेवर्ड लच्छा पराठा। इसे मल्टी लेयर्ड इंडियन ब्रेड भी कहते हैं। लच्छा पराठा में बहुत सारी परतें होती है जो कि खाने में बहुत खस्ता और स्वादिष्ट लगती है, तो वही लच्छा पराठा हम बनाने चल रहे हैं। तो चलिए, एक कप मैदा, उसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून व्हीट फ्लोर यानी गेहूं का आटा, और उसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून सेमोलिना यानी रवा या सूजी। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून शक्कर यानी शुगर और 1/2 टीस्पून नमक। अब इसको खस्ता बनाने के लिए हम डालेंगे 2 टेबलस्पून घी, तुम तेल भी यूज़ कर सकते हो, और इसे हम अच्छी तरह से मिलाकर इसका डव बनाएंगे। यदि ठंडी के दिन हो तो तुम्हें पानी थोड़ा सा ल्यूकवार्म लेना है, अभी तो तुमने नॉर्मल पानी लिया तो भी चलता है। अब उसे कोई भी मलमल के कपड़े से ढककर हमें 15 से 20 मिनट के लिए रखना है। 15 मिनट हो गए हैं, ये देखिए हमारा डव रेडी है, देखिए कितने अच्छी तरह से फूला है। अब इसके करते हैं हम 3 लोए, 3 टेम्पटेड पराठा बताने वाले हैं, 3 फ्लेवर के, इसलिए मैं इसके 3 पार्ट करती हूँ। अब हम लेंगे थोड़ा सा आटा और उसके ऊपर डालेंगे हम हमारी लोई, और इसको बेलन से पतला बेलेंगे। इसका शेप मायने नहीं रखता है, हमें इसे सिर्फ पतला बेलना है। इसके ऊपर लगाएंगे हम घी और इसे अच्छे से फैला लेंगे। मैं तवा गरम करने भी रखती हूँ साइडों से, और इसके ऊपर लगाएंगे हम थोड़ा सा आटा यानी मैदा, और इसके छोटे छोटे परत काटेंगे। पिज़्ज़ा कटर से काटिए या आप चाकू से काटिए, जितने आप बारीक परत काटोगे उतने अच्छे से लच्छे आएंगे। इसके ऊपर डालेंगे हम थोड़ा सा और घी, और इसको अब हम फोल्ड करते जाएंगे। देखिए अब इसे हम थोड़ा सा खींच लेंगे। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे फिर से थोड़ा घी और इसको रोल करेंगे। इसे हम हाथ से भी फैला सकते हैं, नहीं तो हमें हल्के हाथ से इसे बेलना है। इसके लिए मैं डालती हूँ थोड़ा सा आटा और इसे हल्के हाथ से हम बेलेंगे। इसके ऊपर मैं डालती हूँ थोड़े से कांदे के बीज, कलौंजी जिसे बोलते हैं हम, और इसे थोड़ा सा हाथों से प्रेस करते हुए हम एक बेलन घुमाएंगे। लच्छा पराठा थोड़ा सा जाड़ा ही रहता है, हमें इसे थोड़ा जाड़ा ही रखना है। और अब तवा गर्म हो चुका है हमारा, अब इस पर हम हमारा पराठा डालेंगे।
देखिए ये किस तरह से एकदम लाल हो चुका है, कितने अच्छे से सीख गया है। इसकी एक एक परत हमारी उठती है, देखिए ये देखिए कितने अच्छे से इसकी परत उठ रही है, एकदम खस्ता और एकदम बढ़िया लच्छा पराठा। देखिए अब इसे मैं दूसरी तरह से भी बताती हूँ, दूसरे साइड से भी। देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारा पराठा सीखा है। अब हम इसे निकालते हैं। हमारी दोनों लोई भी हमने बेल ली है, क्योंकि हमें तीन फ्लेवर पराठे रेडी करना है। ये देखो ये दोनों और तैयार है। इसके ऊपर अप्लाई करते हैं हम पहले लोई के ऊपर घी। और उसके ऊपर डालेंगे हम कसूरी मेथी। और थोड़ा सा पुदीना का पाउडर। और इसके ऊपर हम डालेंगे फिर से थोड़ा सा घी और थोड़ा सा आटा और उसे अच्छे से प्रेस कर लेंगे। और उसे भी उसी तरह से हमको कट करना है। वैसे मैं तीसरा भी फ्लेवर बता देती हूँ आपको। तीसरे फ्लेवर के लिए हम अप्लाई करेंगे घी। उसके ऊपर डालेंगे हम लाल मिर्च, ये बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं। इसके अंदर डालेंगे हम कैरम सीड्स यानी अजवाइन। इसके ऊपर डालेंगे हम फिर से थोड़ा सा घी और इसके ऊपर डालेंगे हम आटा और इसको बहुत अच्छे से फैला के इसको भी हम दबा देंगे। सब बाजू से हमारा लग जाना चाहिए। इसे तुम और एक मेथड से भी कर सकते हो, जैसे मैं आपको बताती हूँ। जैसे बच्चे बचपन में पंखी बनाते थे उसी मेथड से हम इसे, देखिए जो हमने पंखी के स्टाइल में किया था वहाँ भी एकदम खस्ता ही बनता है। इसे भी हमें रोल करना है और ये जो रहता है इसे हमको नीचे दबा देना है। देखिए हमारे दोनों पराठे, एक मेथी पुदीना फ्लेवर और एक अजवाइन और लाल मिर्ची का फ्लेवर, ये दोनों रेडी है। अब हम इन्हें खस्ता होने तक सेकेंगे। ये देखिए हमारा ये भी पराठा बहुत अच्छे से सीखा है। इसकी लेयर देखिए कितने अच्छे से आई है, कितना खस्ता पराठा हुआ है। अब इसी तरह हम हमारा तीसरा पराठा भी सेक लेते हैं। हमारे तीनों लच्छा पराठा रेडी है। ये रेड, ये व्हाइट और ये वाला ग्रीन पुदीने वाला। इसे आप, मैंने आज चने की सब्जी बनाई है, चने के साथ में, दही के साथ में, सलाद के साथ में, रायते के साथ में, आप हर तरह से इसे पेश कर सकते हो। आपको यदि ये लच्छा पराठा पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कॉमेंट कीजिए। और हाँ, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको मेरे आगे के नए नए वीडियो देखने मिलेंगे। थैंक यू।